हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास माय नेम इज़ विपिन गुप्ता आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और उनके मैं बोर्ड के नूमेकल्स करवा रहा हूँ ठीक है बाकी का पार्ट जो हम लोगों ने करना था कर लिया है अब ये सिर्फ बोर्ड के नूमेकल्स चल रहे हैं आप ये बात से कन्फ्यूज़ मत होना कि सर आपने बहुत सारे नूमेकल्स नहीं करवाए हमारे सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो गया है तो उसने डायरेक्ट एप्लीकेशन मना किए लेकिन साथ में प्रॉपर्टीज़ लिखता है कि सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ हैं तो देर इज़ सम कन्फ्यूज़न ओके अब अगर कन्फ्यूज़न है तो ऐसी सिचुएशन में जो बोर्ड के नूमेरिकल्स हैं वो तो बनते हैं सॉल्व करने हैं एनी हाउ चाहे वो पार्ट हो हमारे सिलेबस का चाहे ना हो अब हम करेंगे उनको सॉल्व तो इसीलिए मैंने बोर्ड के नुमेरिकल सारे पिक कर लिए हैं और उनको सॉल्व कर लेंगे तो एक बार ये हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो आज की क्लास का नोमेरिकल नंबर फर्स्ट है और ये बुक में ट्वेंटी नोमेरिकल है नोमेकल में क्या लिखा है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ओवर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड वन ओवर एट ये लिखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दो पार्ट है इसमें एक्स ओवर वाई फाइंड करना है एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये फाइंड करना है तो टू एंड वन बाई एट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टू एट सिक्सटीन सिक्सटीन वन सेवनटीन सेवनटीन ओवर एट आपको नज़र आ रहा है अप्लाई कंपोनेडो एंड डिड डिबेंडो थ्योरम ठीक है ना तो मैं सी एंड डी लिख दूंगा तो आप अपने पेपर में डिबेंडो ही लिखना क्योंकि यहाँ तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए सब कर देता हूँ ओके बाद उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि जो पार्ट आपका नॉमिनेटर में लिखा है वही आपका नॉमिनेटर में नज़र आ रहा है और वही डिनोमिनेटर में भी नज़र आ रहा है कंपोनेट और डिमोनेटर थ्योरम याद है ना और डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक बार पहले नॉमिनेटर में ऐड होता है और फिर वही वाला पार्ट डिनोमिनेटर में सबसे एग होता है ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लो अब यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं सेवनटीन लिखा है नॉमिनेटर में तो नॉमिनेटर में भी सेवनटीन होगा डिनोमिनेटर में भी सेवनटीन होगा पहली बात एट लिखा है डिनोमिनेटर में तो एट को पहले नॉमिनेटर में ऐड करो फिर माइनस कर दो एट को डिनोमिनेटर में ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका एंड डिबेंडो होगा अब हम जरा ब्रैकेट के साथ ही अगर वर्क करना चाहें तो माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया माइनस बाई स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इट मीनस टू बाई स्क्वायर भी सॉल्व हो गया सेवनटीन एट ट्वेंटी फाइव सेवनटीन माइनस एट नाइन एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर अगर दोनों के स्क्वायर को मैं पिक करता हूँ तो एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर फाइव ओवर थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों स्क्वायर को उड़ा दो तो वाई एक्स ओवर वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो फाइव ओवर थ्री होगी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो वन एंड टू बाई थ्री आंसर आ जाएगा तो ये नोमेरिकल में कोई भी दम नहीं था नोमेरिकल सॉल्व हो गया अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा दिमाग लगाएंगे जो रिलेशन हमने निकाल के रखा उसी में आप क्यूबिक बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ऐसे क्यूबिक बोथ साइड कर दो एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब इज टू वन ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी सेवन क्योंकि फाइव का क्यूब हो गया और थ्री का क्यूब हो गया अब यहीं पर कंपोनेंट डॉ डिबेंडो थ्योरम अप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब नॉमिनेटर में रहेगा उसके साथ नोमिनेटर में प्लस वाई क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब होगा माइनस का वाई क्यूब आएगा और वही हिसाब वन ट्वेंटी फाइव के साथ चलेगा तो वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन एंड वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन जो टारगेट था वो तो बिल्कुल नजर आने लगा अब उसका आंसर कैसे नजर आएगा तो 125 में 27 सेवन ऐड किया 152 फिफ्टी टू एंड वन में माइनस का 27 किया 98 कटिंग किया 76 सिक्स ओवर फोर्टी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे तो अच्छा लगेगा उसको क्योंकि उसने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ये ये वाला पार्ट दिया था जहाँ मैंने सर्कल किया अभी जस्ट तो आंसर आ जाएगा वन एंड ट्वेंटी सेवन ओवर फोर्टी नाइन ठीक है तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट मोमेकल में क्या लिखा है भाई लिखा है यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिवेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड एक्स लिखा भी मैंने तो यहीं पर मैंने नाइन डिवाइड बाई वन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कंपोनेंट ऑफ डिवेंडो अप्लाई कर दिया मैंने लिखा नहीं है पर आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन सकते हैं अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिवेंडो वाले पार्ट में प्लस का डिनोमिनेटर किया फिर नोमिनेटर वाले पार्ट में माइनस का डिनोमिनेटर किया यहाँ पर पूरा रिजल्ट आपको समझ में आ चुका है क्या हुआ है फिर वही वाली सिचुएशन नाइन के साथ वन ऐड किया डिवाइड में नाइन के साथ माइनस वन किया स्क्वायर रूट में दो क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव की हैं नोमिनेटर में वो कटिंग हो जाएंगी और दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है सेम है वो आपस में ऐड हो जाएंगी स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस फोर ऐड हो गई डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करोगे दो क्वांटिटी एक जैसी प्लस माइनस के साथ बनेगी अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर वाली वो कटिंग हो जाएंगी और स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो टू आ जाएगा आगे तो टू टू से कटिंग कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने लिखा है नाइन वन टेन होता है नाइन वन नाइन माइनस वन एट होता है तो टेन ओवर एट को मैं फाइव ओवर फोर लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव ओवर सिक्सटीन भी आ जाएगा अंडर रूट इधर का ख़त्म हो जाएगा अब मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है अगर यहाँ पर ये माइनस फ़ाइव की जगह प्लस फोर होता माइनस फोर होता तो मैं एक बार को सोचता फिर से कंपोनेंट डिमेंडो लगाने की पर अभी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है तो मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट एक्स एंड सिक्सटी फोर आ गया सिक्सटीन फोर जब सिक्सटी एट होता है ठीक है फिर इसके बाद में ट्वेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव एक्स ट्वेंटी फाइव फाइव वन ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव एक्स से अगर फोर्टी एट एक्स तो ट्वेंटी सेवन एक्स मिलेगा सिक्सटी फोर में अगर वन ट्वेंटी फाइव को ऐड करोगे तो वन ट्वेंटी वन एटी नाइन मिलेगा और वैसे तो मैं ट्वेंटी सेवन से डायरेक्ट इसको सेवन कट सकता था कट कर सकते थे लेकिन ट्वेंटी सेवन का जनरली टेबल याद नहीं होता तो पहले मैंने नाइन से कट किया तो नाइन थ्री 27 ट्वेंटी सेवन एंड नाइन टू जै एटी नाइन वन जा नाइन फिर मैंने थ्री से कट किया थ्री वन जै थ्री थ्री सेवन या ट्वेंटी सेवन एक्स की वैल्यू आ गई सेवन तो आपका मेरे ये सॉल्व हो गया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर भाई इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा इफ एक्स की वैल्यू लिखिए स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स देन प्रूव दैट क्या करना है टी पी लिख दिया पी टी लिखना था ओके okay, माइनस कर लो प्रूव दैट होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो लिखा ये मुझे प्रूव करके देना उसको तो एक्स ओवर वन कर सकते हैं मैंने कर दिया कंपोनेंट पर डिपेंड हो थी अप्लाई कर सकते हैं मैंने कर दी तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन ये तो आपका पहला पार्ट नज़र भी आ रहा है और नोमिनेटर में जो पार्ट लिखा है वही मेरे यहाँ लिखा है फिर प्लस लगा के डिनोमिनेटर लिखा है नॉमिनेटर में जो पार्ट लिखा है मैंने भी वही लिखा है फिर माइनस लगा के डिनोमिनेटर लिखा है इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ चीज़ें हैं निगेटिव की और पॉजिटिव के कट जाएंगी कुछ चीज़ें यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव की बनेंगी वो भी कट जाएंगी अब बाकी जो बच गई उनको आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव की हो गई हैं टू टू से कटिंग हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने लिखा नहीं है स्क्वायरिंग बोथ साइड अपना लिख लेना है स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट इधर का गायब हो जाएगा इधर एक फार्मूला लग जाएगा इस अब यहाँ पर भी इस बीच में भी आपने कंपोनेंट और डिबेंडो थेरम लिखना है अप्लाई कंपोनेंट और डिबेंडो थेरम आप लिखेंगे नॉमिनेटर में पहले मैंने डेरोटर को ऐड किया फिर मैंने नॉमिनेटर से डिनोमीटर को सब्टेक्ट किया यही अपने कंपोनेंट और डिपेंडो थिरम लगानी होती है ऐसे ही फिर ए प्लस वन के साथ भी वही हो, हो रहा है ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन फिर डिनोमीटर में ए प्लस वन माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस वन बस जो चीज़ों की कटिंग हो रही है कटिंग कर दो तो मिलेगा नॉमिनेटर में टू है और यहाँ पर मिलेगा ओनली टू टू से टू की कटिंग कर देंगे ए मिलेगा यहाँ से टू के फोर की कटिंग कर देंगे नीचे आपको टू एक्स मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्सक्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई वन के साथ जो कि नज़र आ रहा है टू एक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ जो कि नज़र आ रहा है इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड ले जाओ यही आंसर आपका टारगेट था चेक करो इसको टारगेट में है टारगेट पूरा आ गया नहीं आ गया ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर तो नोमेरिकल्बर ट्वेंटी थर्ड ये सारे बोर्ड के न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बेटे जो न्यूमेरिकल नंबर ट्वेंटी था वो फोर्टीन में आया है टू थाउजेंड फोर्टीन ट्वेंटी वन इलेवन में आया है और ट्वेंटी टू आपका ट्वेल्व में आया ये ट्वेंटी थ्री में डिस्कस कर रहा हूँ ये फिफ्टी में आया था तो आप ये मत परेशान होना कि सर कहाँ से नुमेरिकल बता रहे हैं ये सारे बोर्ड के अच्छा नुमेरिकल अच्छे नुमेरिकल्स हैं लिखा है इफ़ दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट ऐसा लिखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर वाई या एक्स इस टू वाई रेशियो बोलती है उसने अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिपेंडो ये बहुत ईजी पार्ट है मैं सही बताऊँ देखते ही आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये क्यूब का फॉर्मले बनते हैं ओके okay. जैसे ही आपने कंपोनेंट और डिपेंडो थ्योरम अप्लाई किया एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स को ऐड करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट के साथ एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स को माइनस करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट के साथ और बिल्कुल सेम सिनेरियो वाई वाले के पार्ट चले चलेगा तो वाई क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन के साथ आप ऐड कर रहे हैं नाइन वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन और डिनोमिनेटर में वही चीज़ फिर से नज़र आ रही है वाई क्यू प्लस ट्वेंटी सेवन इस बार माइनस के साथ नाइन वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन है मैंने इसको लुकिंग में चेंज कर दिया मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉमूला लगा सकता था मेरा ये स्टेप मेरा मैं जंप कर सकता था लेकिन मैं सोचा चलो एक बार बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाए एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिखा है क्या मैं एट को टू की पावर थ्री लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ट्वेल्व एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर सॉरी ट्वेल्व एक्स और सिक्स एक्स स्क्वायर से मैंने क्या किया सिक्स एक्स को कॉमन लिया अब सिक्स के मैंने टुकड़े क्यों कर दिए थ्री इंटू टू क्यों किया आप पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से फॉमूला है क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी मैंने क्या बोला थ्री ए बी इसका मतलब अगर मेरे पास सिक्स है तो सिक्स के थ्री और ए बी दिखा दो तो ए यहाँ पर एक्स है और बी यहाँ पर टू है थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस टू और बिल्कुल सेम सिनेरियो ये वाई निगेटिव वाले के साथ चलेगा एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब क्योंकि माइनस एट है यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे ठीक है माइनस टू क्यूब हो गया माइनस थ्री इंटू टू एक्स क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बन रहा है वैसे ही बनाएंगे आप इनको जैसे ही ओपन करोगे आपको मिल जाएगा देखो अगर मैं सिक्स एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो माइनस का सिक्स एक्स को आना चाहिए आ रहा है देखो और माइनस सिक्स एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ करूंगा प्लस का ट्वेल्व एक्स आना चाहिए देखो आ रहा है ये देखो आ गया और बिल्कुल यही पैटर्न मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ गए होंगे यहां पर एट है यहाँ ट्वेंटी सेवन है अब ये तीनों चार के चार फॉर्मूले बन गए सभी के क्यूब हटा दो आप यहां पर पहुंच गए अप्लाई कंपोनेंट डिपेंडो थेरम यहाँ पर फिर से अप्लाई कर दोगे आप तो x प्लस टू में आप x माइनस टू को ऐड करोगे x प्लस टू में आप माइनस करोगे x माइनस टू को और ये y प्लस थ्री में आप y माइनस थ्री ऐड करोगे y प्लस थ्री में आप y माइनस थ्री को सब करोगे कुछ चीज़ें कटिंग हो जाएंगे टू एक्स मिलेगा यहाँ पर एक्स वाले कटिंग हो जाएंगे तो फोर मिलेगा यहाँ पर थ्री थ्री कट हो जाएगा टू वाई मिलेगा यहाँ वाई वाई कट हो जाएगा तो सिक्स मिलेगा टू से फोर को कटेंगे एक्स बाई टू हो जाएगा और टू से सिक्स को कट करेंगे तो वन बाई थ्री इट मीन्स वाई ओवर थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स ओवर वाई आ जाएगा जो मेरा टारगेट है और फाइनली उनका आंसर हो जाएगा टू बाई थ्री ये हमारे आंसर देना था उनको आई होप आपको ये चारों नोमेरिकल समझ में आ गए ये बोर्ड के नोमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे नोमेकल्स हैं स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप उसको आपके हाथ में है आप उसको डाउन कर लें पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स कर लें पॉइंट फाइव टाइम्स कर लें ठीक है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स गुड बाय